लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के दौरान कहा, हर बजट में आपको इस देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। इस पर नाराज विपक्ष के नेता शेम शेम के नारे लगाते हुए बाहर चले गए। इधर हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था। बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सदन शुरू होने से पहले इंडिया के सांसदों ने बजट के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, यह अन्याय है, हम विरोध करेंगे, बजट से 90% देश गायब है। इसके साथ ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट किया है। हेलो, सर इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट शुरू कर रही है, सारे स्टेट अपने अपने हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, वर्ड पर वर्ड मोजों में दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, यही रह जाओ, यही रहो। अरुण अरुण आपको मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग तलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ ड्रामा। प्रोमिसेज विच विल बी केप्ट इन द पेपर विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, दैट्स इट। तो ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया अरे सबको कुछ नहीं दिया है।
decided to... Nothing will go on record. Leader of the opposition. Sir, please, leader of the opposition. मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं उसमें जाना नहीं। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना करना ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया, तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए, ये तो लोग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ, हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। मच बिफोर आई रेस्पॉन्ड, दे वुड लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड गो अवे इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दे डोंट इवन वॉन्ट, ma'am, we just Modi ji spoke today for 8 minutes. For 8 minutes, this is the Ma'am, for 8 minutes it's been switched off. Nobody has made that possible. They come on again after 8 minutes. Rajiv Shukla will speak 2 minutes and put it on. Ma'am, would you like to say anything, please? Your words on the budget, ma'am. Your words on the budget, ma'am. Budget, ma'am. Anything on the budget, sir? Sir, and NEET also, sir. Thank you.
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।